हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं और कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, दोनों ही कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड ज़्यादा बेहतर है, हमें कौन सा कार्ड हमें लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड की। रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड की बात करें तो जैसे कि ये नाम से ही रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड है, तो हमें ये जो कार्ड्स है उसमें हमें रिवार्ड्स मिलेगा। ये सारे बैंक के हिसाब से और कार्ड के फीचर्स के हिसाब से जो है आपको अलग अलग रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब डिपेंड करता है बैंक और उस कार्ड के फीचर पे। रिवार्ड्स की बात करें तो जो कार्ड है, हो सकता है आपको ग्रोसरीज में ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, ट्रैवल में ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेगा, एंटरटेनमेंट में आपको ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेगा, हो सकता है पेट्रोल में भी आपको रिवार्ड्स मिलेगा, या ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑफलाइन शॉपिंग में। मतलब जितने रिवार्ड उतने आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। जब भी आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो जो भी रिवार्ड्स कार्ड है उसमें एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। मतलब जितना वन रिवार्ड्स की वैल्यू जितनी होगी उतना ही आपको प्रॉफिट या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रिडीम्पशन की। हम रिवार्ड पॉइंट्स को हम कैसे रिडीम करेंगे, तो सभी बैंकों में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको रिडीम करने के लिए। उसके अलग अलग आपको वेबसाइट में आपको रिवार्ड पॉइंट कैटलॉग वहाँ देखने को मिलेगा। वेबसाइट में जो है जब भी आप पॉइंट्स को रिडीम करेंगे वहाँ ढेर सारे कैटलॉग आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको गैजेट्स मिल सकते हैं, शॉपिंग वाउचर मिल सकते हैं, गिफ्ट वाउचर मिल सकता है, और ट्रैवल के वाउचर्स मिल सकता है, और रिचार्ज और बिल पेमेंट्स का भी आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है रिचार्ज और बिल पेमेंट्स, मतलब उसमें इजीली आप रिचार्ज या बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग का वाउचर परचेस कर सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बाकी अगर गैजेट्स परचेस करेंगे तो आपको रिवार्ड्स, जितने भी रिवार्ड्स है, सपोज 3,000-4,000 रिवार्ड्स, प्लस आपको कुछ कार्ड से भी स्पेंड करना है या कैश भी आप उसको पेमेंट करना है, तो आपको मतलब दोनों यूज़ करेंगे तभी आप गैजेट्स को परचेस कर पाएंगे। तो और दूसरा बात यह है कि आप रिवार्ड पॉइंट जब भी रिडीम करेंगे तो उसमें जो कैटलॉग्स होते हैं, जो भी उसमें प्रोडक्ट्स हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा है आप जो है गिफ्ट वाउचर ले लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट का, या तो फिर रिचार्ज और बिल पेमेंट कर दीजिए। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि रिवार्ड्स के क्रेडिट कार्ड में आपको जो है कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप 1 लाख स्पेंड करते हैं, एक साल में 1 लाख स्पेंड करेंगे, तो कुछ ट्रैवल का वाउचर या गिफ्ट वाउचर या 5,000 रिवार्ड पॉइंट्स आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरह का आपको रिवार्ड्स के क्रेडिट कार्ड में आपको जो बोनस आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप किस बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस कार्ड का फीचर क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। जितना आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। रिवार्ड क्रेडिट कार्ड में आपको ध्यान ये देना है कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू जो है कम से कम 25 पैसा से लेकर आपको जो है 30 पैसे तक का उस रिवार्ड पॉइंट, वन रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है, तो आपको उस कार्ड को ले लेना चाहिए। जो रिवार्ड वैल्यू ये अच्छा होता है। तो सभी बैंकों में लगभग 100 स्पेंड पे 1 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और कई कई बैंकों में ये भी होता है कि आपको जो है 200 स्पेंड करेंगे तो उसके हिसाब से उसका रिवार्ड कैलकुलेट किया जाता है। 200 स्पेंड करेंगे तभी आपको 1 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको जो है अलग अलग 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ज़रूर इस चीज़ को आप चेक कर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि ये कैशबैक नाम है, तो हमें जो है सीधा सीधा हमको कैशबैक मिलेगा, हार्ड कैश हमको वापस देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक में 2 कार्ड आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। और दूसरा जो है एक्सिस बैंक का ही जो फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड है, ये उतना पॉपुलर नहीं है, कुछ इसमें फीचर्स कम है उसकी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं है। तो एक्सिस बैंक के ये 2 कार्ड हैं। और अगले कार्ड की बात करूँ तो पेटीएम का जो पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, जो सिटी बैंक का है, ये भी जो है आपको कैशबैक इसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगला कार्ड की बात करें तो ICICI बैंक का जो अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है,
इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। और SBI कार्ड का जो ओला मनी है इसमें भी आपको कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, और HDFC का मिलेनिया में भी आपको ये कैशबैक देखने को मिलेगा। तो कुछ ये सारे एग्जांपल हैं। इस कार्ड में होता ये है कि आप इस महीने यूज़ कर लिए, जितना भी इस महीने मतलब इस महीने का बिलिंग साइकिल है उसमें आप यूज़ कर लिए, तो जितना भी कैशबैक मिलेगा उस कैशबैक जो है अगले महीने का बिल जनरेट होगा उसके 3 दिन पहले उस बिल में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब इस महीने का कैशबैक अगले महीने का बिल में क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें माइनस हो जाएगा। तो मतलब हमें सीधा कैश बैक मिल गया, सीधा सीधा हार्ड कैश हमें मिल गया। अब बात करते हैं दोनों ही कार्ड में से कौन सा अच्छा है। तो सिंपल सा क्लियर है, सबसे अच्छा आपका कार्ड जो होगा कैश बैक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें हमें क्या है कैश बैक में कोई भी झंझट नहीं है, हमें जितना भी कैशबैक हमें मिल रहा है अगले महीने के बिलिंग साइकिल में वो जो है माइनस हो जा रहा है, क्रेडिट कर दिया जा रहा है, मतलब कि अगले महीने का बिल से माइनस हो जा रहा है। तो हमें ना को रिवार्ड पॉइंट कैटलॉग देखना है, ना कोई रिचार्जेबल पेमेंट, ना कोई गिफ्ट वाउचर देखना है, सीधे सीधे हमें जो है बिलिंग साइकिल में ये एडजस्ट किया जा रहा है। किसी किसी कार्ड में आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही अच्छा है, लेकिन कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या है आपको इसमें रिडेम्पशन का कोई झंझट नहीं है, सीधे सीधे आपको हर महीने नेक्स्ट बिलिंग में एडजस्ट हो जा रहा है, तो हमें रिडेम्पशन का कोई झंझट नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।